Now the next topic jo hum start kar rahe hain, how to find zeros of given polynomial if two of its zeros are given. जितनी हमारे पास पॉलीनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल 2x³ + x² - 6x - 3 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर -√3 एंड √3. अब हमारे पास इस पॉलीनोमियल में हाईएस्ट डिग्री है 3. 3 में से हमें 2 जीरोस गिवन है, इट मींस हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं? 1. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी गिवन है कि जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल है, इट मींस वो उसका फैक्टर होगी गिवन पॉलीनोमियल का. क्योंकि हमारे पास पॉलीनोमियल x में है, सो वी कैन राइट इट एज x, मिडिल में नेगेटिव साइन, फर्स्ट जीरो -√3, x माइनस प्लस के √3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. उसकी जीरोस है, इट मींस फैक्टर है माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी लग गई, सेम टर्म्स है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3. सो x स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. अगर कोई भी फैक्टर है पॉलीनोमियल का, इट मींस वो उस पॉलीनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा. पूरा पूरा डिवाइड करेगा इट मींस उसका रिमाइंडर अगर मैं इस गिवन फैक्टर से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो रिमाइंडर है जीरो आएगा. कोई भी फैक्टर है गिवन पॉलीनोमियल का या नहीं है, अगर हम उस टर्म से पॉलीनोमियल को डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो डिवाइड हमने सीखा है, फर्स्ट टर्म 2x³ हाईएस्ट डिग्री की और डिवाइजर में एक्स स्क्वायर, 3 - 2 = 1. सो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में क्या आई, 2x. अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो टर्म क्वेश्चन में आई उसे डिवाइजर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है. 2x² × x + −−3 × 2 = 6x. एक्स वाली टर्म है तो हम एक्स वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस 0x भी लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. 0 × 2 = 0, x × x = x², ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजन आप ऐसे लिख सकते हो. नाउ प्लस की टर्म माइनस की, प्लस के x² + 6x और −6x, ये भी कैंसिल हो गए. ऊपर से हमने टर्म ली −3, हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर और डिवाइजर में भी एक्स स्क्वायर, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1. तो क्वेश्चन में आया 1, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × x² 1 × 0x = 0, 1 × −3, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, +x² − x² + 3 − 3, रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास. अब हमने यहां तक कर लिया, अब हमें 2 जीरोस तो पता थी इस पॉलीनोमियल की, एक जीरो और फाइंड करनी है. क्या किया हमने, सबसे पहले जो 2 जीरोस गिवन थी वो इस गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा, मींस इस पॉलीनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा ताकि रिमाइंडर, जिससे कि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0. तो हमने लिखा एक्स माइनस −√3 इंटू एक्स −√3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. अब हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² - b² गिवन पॉलीनोमियल से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास हमेशा 0 होगा. क्यों, क्योंकि ये इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है. नाउ टू फाइंड, राइट डाउन, टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, जो भी हमारे पास कोशेंट आया उसे हम 0 के इक्वल रखेंगे. 1
प्लस का है दूसरी साइड जाएगा साइन चेंज हो जाएगा सो हमारे पास क्या आया नेक्स्ट जो फैक्टर पॉलिनोमियल की नेक्स्ट जीरो आई माइनस वन बाय टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू नोट कीजिए Now the next one, next question is find all the zeros of polynomial x cube plus 3x square माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इफ टू और फिट जीरो आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ टू अगेन सेम प्रोसीजर से एक्स माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस अगेन यूज द आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर टू इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल फैक्टर है तो डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा जीरो एक्स स्क्वायर माइनस टू पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इसमें भी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की क्या है थ्री थ्री में से टू नंबर ऑफ जीरोस गिवन है तो हमें वन जीरो और फाइंड करना है फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स क्यूब डिवाइजर में एक्स स्क्वायर पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री माइनस टू वन एक्स आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में टर्म आई उसको डिवाइजर की टर्म से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स अगेन यहाँ पे हमारे पास एक्स वाली टर्म नहीं है सो आप इसको जीरो एक्स लिख सकते हो ठीक है साइन चेंज करेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव थ्री माइनस जीरो इज थ्री प्लस टू और माइनस टू माइनस सिक्स नेक्स्ट टर्म हाईएस्ट डिग्री की थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइजर में एक्स स्क्वायर तो हमें क्या मिला टर्म थ्री सो एक्स प्लस थ्री थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू एक्स स्क्वायर थ्री इंटू जीरो एक्स इज जीरो प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू टू सिक्स साइन चेंज नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल तो हमारे पास क्या आया नाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन आया उसे जीरो के इक्वल रखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक्स प्लस थ्री थ्री दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री नोट कीजिए Now next question. Find all the zeros of the polynomial x4 plus x cube minus 34x square minus 4x plus 120 if two of its zeros are 2 and minus 2. Find all the zeros of the polynomial x4 plus x cube minus 34x square minus 4x plus 120 if two of its zeros are 2 and minus 2. Again, x minus 2 x minus minus 2 is factor of given polynomial
minus minus plus. Again use the identity a plus b, a minus b. A square minus b square. 2 square is 4. Is factor of given polynomial. अब इस इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है 4. 4 में से 2 जीरोस गिवन है तो 2 जीरोस हमें और फाइंड करनी है. x square minus 4 x 4 plus x cube minus 34 x square minus 4x plus 120. हाईएस्ट डिग्री टर्म x 4 डिवाइजर में x square 4 minus 2 2 x square आ गया हमारे पास quotient. multiply करेंगे x square into x square 2 plus 2 4 power हो गई minus 4 x square. यहाँ पे again हमारे पास x वाली term नहीं है so we can write it as 0x 0 x cube. clear है? sign change करेंगे plus x cube minus 0 minus 34 plus 4 minus 4x plus 120. so x cube upon x square 3 minus 2 1. so next term is x x square into x plus 0 x square minus 4x. sign change करेंगे negative negative and positive minus 30 x square plus 4x minus 4x cancel हो जाएगा plus 120. so हमारे पास next term आई minus 30 x square upon x square minus 30. minus 30 into x square 0 into 0x is 0 minus minus plus sign change plus here negative here same terms opposite sign remainder आ गया हमारे पास 0. clear है यहां तक सभी को? now अब हमारे पास क्या आया क्वेश्चन x square plus x minus 30 equal to 0. इसे 0 के इक्वल रखेंगे to find the zeros of polynomial. क्वेश्चन coefficient of x square is 1. तो क्या करेंगे हमें दो ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास minus 30 आए और ऐड करने पे 1 आए. सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे. factors of minus 30 1 and 30 2 15 3 10 5 6 ये हमारे पास factors आ गए. 30 minus 1 29 minus 29 13 minus 13 10 minus 3 7 minus 10 plus 3 minus 7 6 minus 5 1. हमें प्लस के 1 चाहिए तो हमारे पास कौन से फैक्टर आ गए minus 5 and 6. so x plus minus 5 6 x minus 5 x plus 6. प्रोडक्ट दो टर्म्स का 0 है तो हम दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या आई वैल्यूज x is equals to 5 एंड x is equal to minus 6. तो ये नंबर ऑफ 2 जीरोस आ गए x is equals to 5 एंड minus 6. नोट कर लीजिए. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे.
Question number 4 is, find all the zeros of polynomial 2x4 minus 3x3 minus 3x2 plus 6x minus 2. 2x4 minus 3x3 minus 3x2 plus 6x minus 2. If two of its zeros are square root of 2 and minus square root of 2. X minus square root of 2 minus minus square root of 2 is factor of given polynomial. X minus square root of 2 minus minus plus. Use the identity a plus b, a minus b, a square minus b square. Root 2 ka square 2. Now divide the polynomial. 2x4 minus 3x3. Minus 3x² plus 6x minus 2 divided by x² minus 2. Highest degree term first 2x4 or divisor mein x² x4 minus 2 x² divisor mein hamare paas x ki term nahi hai so hum ise likh sakte hain x² plus 0x. So pehli term hamare paas kaun si aayi question mein 2x² मल्टीप्लाई करेंगे जो भी टर्म क्वेश्चन में आई डिवाइजर की टर्म से 2x² into x² x पावर 4 0 into 2 is 0x³ minus 4x² 2 into 2 4 साइन चेंज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेम टर्म minus 3x³ plus 4 minus 3 So, plus x² plus 6x minus 2. Ab next highest degree term I, minus 3x³ upon x². x³ minus 2 is 1. So, next term I hamare paas minus 3x. Multiply karenge. Minus 3x³ plus 0x² Minus minus plus 2 into 3 is 6x. Negative, negative, positive. So plus x² plus 6x minus 6x minus 2. x² upon x² 1. So next term I plus 1. 1 into x² 1 into 0x is 0. Plus minus minus 2. Sign change negative, positive. प्लस माइनस सेम टर्म तो रिमाइंडर आया हमारे पास 0. क्लियर है यहां तक सभी को क्या किया हमने जो हमें 2 जीरोस गिवन थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 सो हमने कैसे लिखा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू x माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल ये हमें सॉल्व करके आया x² माइनस 2 उसके बाद हमने डिवाइड किया अब हमें क्या करना है फाइंड जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्या करेंगे क्वेश्चन को जीरो के इक्वल रखेंगे राइट डाउन टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल क्वेश्चन क्या है हमारे पास 2x² minus 3x plus 1 अब हमारे पास x² का कोफिशिएंट यहां पे 1 नहीं है तो हम किस मेथड से करेंगे मैजिक x मेथड से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए 2 into 1 2 और ऐड करने पे minus 3 यही चाहिए हमें मल्टीप्लाई करने पे 2 आए ऐसे कौन से फैक्टर हैं 1 into 2 minus 1 minus 2 यही फैक्टर्स हैं 2 के plus 2 अब इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसे मल्टीप्लाई करने ऐड करने पे हमारे पास -3 आए 2 plus 1 is 3 -2 minus 1 -3 तो क्या आया हमारे पास -1 -2 अब हमें इसे किससे डिवाइड करना है जो कोफिशिएंट है x² का क्या है 2 अब हमने इसके फैक्टर्स लिखने हैं x plus x plus
डिनोमिनेटर में टर्म होगी वो x का कोफिशिएंट हो जाएगी, सो 2x प्लस माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया, 1 नहीं बचा, सो 1x प्लस माइनस 1, हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, 2x माइनस 1, x माइनस 1, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होगा अगर वो, उनमें से एक टर्म 0 होगी, सो हमारे पास आए नंबर ऑफ जीरोस x 1, 2x is equals to 1, so x is 1 by 2. X is 1 by 2 and x is 1. Here हमारे पास 2 number of zeros आ गए. Note कर लीजिए. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है 4 डिग्री की 2x4 minus 3x3 minus 3x2 plus 6x minus 2 टू जीरोस हमारे पास ये थे और दो हमारे पास फैक्टर्स ये आए 2x minus 1 x minus 1 तो जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या आ गए root 2 minus root 2 root 2 1 by 2 and 1 क्लियर नोट कर लो इसे नाउ इसी के जैसे दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं सो ट्राई टू सॉल्व दैट राइट डाउन द स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6